अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगी लकी वन का। यहाँ मैं हाइपर में आपको लेके चलूंगी। पहले मैं ऊपर से भी पूरा कंप्लीट आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैं ग्रॉसरी खैर इम्तियाज़ से करती थी, लेकिन स्पेशली मैं आज व्लॉग के लिए यहाँ पर आई हूँ। सो लेट्स गो। अब हम यहाँ हाइपर में पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये हम लकी वन पहुँच गए हैं। चलें, ठीक है। ये यहाँ से हम बेसमेंट में उतर रहे हैं। वैसे वहाँ से भी एंट्रेंस थी, लेकिन जिनके पास अपनी गाड़ी है तो वो बेसमेंट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से लिफ्ट से आप किसी भी फ्लोर पे जा सकते हैं। तो ये हम कौन से ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे ना, है ना? हाँ, ये देखिए, ये यहाँ से ये फर्स्ट फ्लोर आया, है ना? यहाँ तो नहीं उतरेंगे ना हम, तो ग्राउंड फ्लोर में उतरेंगे। यहाँ भी आप पार्क कर सकते हैं, जिसको जहाँ जिस फ्लोर पे जाना हो तो। लेकिन मुझे चूँकि अभी फुल कवर करना है, इसलिए मैं बेसमेंट में जा रही हूँ। बेसमेंट वन, ये बेसमेंट वन में हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, तो हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। सो लेट्स गो। अब पहले तो हम जाएंगे हाइपर ताकि मैं अपनी ग्रॉसरी कर लूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा लकी वन इंशाल्लाह दिखाऊंगी। सो देखिए, अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। ये हम यहाँ ग्राउंड फ्लोर में एंटर हो चुके हैं। ये हाइपर है ना इधर? ये हम हाइपर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है? चले, ये क्या है? बच्चों का है ये ना? ये रेट वही है ना? ले लें पे, ये साइज सही रहेगा। यही होता है। इसके क्या है प्राइस? अब वो तो हम वो लेते हैं ना, इसका बॉटल में लेंगे। अच्छा, कॉफ़ी का ना, टी तो वही वाली लेंगे ना। टमाटर तो आजकल बहुत सस्ते हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ मैं देख रही थी कि उधर और बता रहे थे कि 10 रुपये किलो के हिसाब से हो रहे हैं। 10 रुपये किलो? हाँ, यहाँ 44 के हिसाब से है ना। लेकिन ये किस तरह रखा हुआ है कि ग्रॉसरी एक चीज़ यहाँ ऐसे हो गई ना? इनका ग्रॉसरी का अलग नहीं है ना? अलग है। तो ये टमाटर यहाँ क्यों रखे हुए थे? है ना, बिल्कुल ही फ्रंट पे टमाटर रख दिए थे।
70 रुपीस में क्या है, मतलब कोई भी चीज़ ले लें। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी है फिर, ये भी 70 में है टेबल। ये देखो, हाँ ये भी 70 में है, देख रही है। हाँ ये तो बड़ी अच्छी है, अगर 70 में है तो ले ले। 739 है। अच्छा यहाँ कपड़े भी आए हुए हैं, देखिए ये ट्राउजर्स हैं 399 में। ये अच्छी लग रही हैं स्लीपर्स, विंटर्स की है ना। ये टॉवल्स का दो का सेट है 799। लेना है सब, लेना है लेते जाइए। सनसिल्क ले लें है ना, छोटा वाला बड़ा वाला? ये छोटा ले लें, ये तो बड़ा है। छोटा वाला किधर है, छोटा ये रहा, ये ले लें। ये इसकी क्या कॉस्ट है, 300 का? हाँ वही कॉस्ट है तकरीबन, इम्तियाज़ वाले ही कॉस्ट हैं। हाँ साबुन तो है, यहाँ से क्या, हाँ टूथपेस्ट ले लीजिए, मेडिकेम लीजिए। मेडिकेम होगी नहीं होगा yeah. क्या कॉस्ट है इसकी, 195। हाँ 195। हाँ तो वहाँ भी यही है, कॉस्ट तो तकरीबन सेम ही है। क्या प्राइस है, 160। हाँ ये ले ले दानेदार, नहीं वो नहीं है इधर, पाउच नहीं है ना जिस तरह का हम लेते हैं, है ना पाउच की जगह। ये बिस्किट्स देख ले, ऑयल उधर है, कौन सा ले रहे हैं, इसकी क्या कॉस्ट है, 225 ले लो। कौन सा लिया, ये वाला सही है। बस बस बिस्किट्स बहुत हो गए, इसकी क्या कॉस्ट है बता दिया करें, मैंने यहाँ से 28। बस बिस्किट्स तो काफ़ी हो गए, मसाले वगैरह देख लें यहीं से ले लें फिर। प्राइस तो बहुत है, यहाँ पे कितने का है, 485। दालें लेनी है, 89। ऑरेंज वाली तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ऑरेंज नहीं लीजिएगा, और वो येलो वाली नहीं लीजिएगा, और ब्लैक वाली भी है काफ़ी सारी हैं। ये क्या है, चक्की का आटा ले लें, है ना नहीं है 685, वहाँ पे भी इतना ही 685, चक्की का ही है ना। प्राइस चाहिए आपको, ये क्या है, ये सारे वो है। अच्छा ये अशरफी चक्की और उसमें क्या फ़र्क है,
6639 का ये है, वो भी इतने का ही है, तो ये कहीं मिक्सिंग तो नहीं ले लिया हमने? नहीं नहीं सही है, चक्की का ही है ना। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स का बस एक ही ले लें। हाँ, ये इसके क्या कॉस्ट है? 780। इतना ही है ना, इतना होता है 780 का। सब्जियाँ तो वहाँ से ले लेंगे, है ना, यहीं से लेंगे। और मिल्क मसाले देख लें। डेरी प्योर ये रहा 1785। वो छोटे पैकेट ही ले लें इस दफ़ा, बड़ा खुला ही रह जाता है, यही ले लें। बड़ा ही है तो छोटा वाला ले लें। छोटा वाला तो पूरा ही नहीं है। डेरी फ्रेश ये रहा ना, ये छोटा वाला है शायद। काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने वैसे तो। ये यहाँ चिकन शवरमा भी मिल रहा है, ये गुड़ अच्छे मिल रहे हैं, ये हम ले लेते हैं 99 में। यहाँ पूरी दालें वगैरह हैं सारी। ये क्या पिसा हुआ गुड़ ले रहे हैं? गुड़ है ना ये? शुगर 199 केजी। हाँ ये ले लें, 2 किलो ले लें बल्कि ना। सरफ ले लेते, ये कितना अच्छा सा लग रहा है ना टेंट। इधर आइए कहीं में, इधर आ जाइए। अच्छा यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं, कुर्सियाँ वगैरह। क्या ये ट्रॉली कितनी अच्छी लग रही है, देखें इस ट्रॉली की प्राइस, देखें कितने की है ये। अच्छी है ये, है ना, 29,000 की। अच्छा टेंट कितना अच्छा लग रहा है ना। ये चेयर्स बहुत प्यारी हैं, कितने की है ये, बहुत प्यारी लग रही है, है ना। डाइनिंग टेबल के लिए ली जाए हैं ईच। अच्छा ये अच्छा लग रहा है टेंट। टेंट बड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये रग्स देखते हैं, ये कितने कितने के हैं? 14.99। देखिए यहाँ पे ये बच्चों की चेयर्स भी हैं,
लेकिन यहाँ बॉक्स भी हैं। बच्चों की बॉक्स भी हैं, बॉक्स सेक्शन भी है। अब देख लें और क्या क्या लेना है। ये कितना अच्छा सा लग रहा है, इसकी प्राइस देखें जरा। ये मुझे लेना भी था, 1200 1200 का है। अच्छा है, दूसरी जगहों पे भी इतने का ही मिल रहा है। अच्छा अच्छा है, चलें देखते हैं। अरे हाँ, यहाँ से आपने सर्फ और ब्लीच तो ले लिया ना, है ना? ये हाइपर से हमने सारी ग्रॉसरी कर ली है, अब मैं आपको लेके चलूँगी ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रॉसरी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इम्तियाज़ से हम लोग ले रहे थे यहाँ से, यहाँ के रेट हाइपर महंगा है। हाँ, ये चीज़ मैंने अभी, वरना मैं हमेशा जो है वहीं से लेती हूँ, इम्तियाज़ से लेती हूँ। तो मुझे आज लग रहा है कि आज का बिल जो है अच्छा खासा बना है। कितना बना है? 13,000, है ना? 13,000 हमारा यहाँ का बिल बन गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब हम ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ये बेसमेंट में ही है ना? अच्छा, अब मेरे हस्बैंड ट्रॉली तो ले गए हैं, तो सामान बहुत ज़्यादा था, तो मैं अब यहाँ पे एक ये है छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है कॉफ़ी का, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे है। अब इसके बाद फिर अभी मेरे हस्बैंड सामान रख कर आ जाएं, तो फिर मैं आपको आगे ऊपर तक पूरा कवर करूँगी, दिखाऊँगी। अच्छी सी जगह है ये, यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए अच्छी सी जगह है। चलिए, अब मेरे हस्बैंड तो आ गए, अब मैं आपको ऊपर का दिखाना शुरू करती हूँ। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं कि यहाँ सेल लगी हुई है, इंटरवुड में 50% सेल लगी हुई है। ये देखें, अभी हम देखने जा रहे थे, लेकिन अभी ये नमाज के वक्फे की वजह से क्लोज कर रखा है। ये लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है ना। चलिए, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। अभी बहुत सी दुकानें तो बंद हो रही हैं, क्योंकि हम लोग अभी दोपहर में 2 बजे निकले हैं, रात में ज़्यादातर खुल जाती हैं। ये देखिए, ये साया है, इस पर भी 50% सेल लगी हुई है। विंटर सेल तो हर आउटलेट में ही लगी हुई है। अब हम कौन से फ्लोर पे जाएंगे? अभी तो ये फ्लोर पहले कवर करना है ना, ये करा हुआ है शायद ना। ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन पूरा यहाँ पे जो है, अरे वो कितना अच्छा बना हुआ है, नीचे चल के देखेंगे, है ना? है नहीं, नहीं अभी पहले तो ऊपर जा रहे हैं ना, फिर नीचे आते वक्त देख लेंगे। ये अभी चले, हाँ बहुत प्यारा लग रहा है।
चलें उतरना शुरू करते हैं। ये सारा ना न्यू ईयर की तैयारियां हो रही हैं, है ना। ये देख देखिए ये कितना अच्छा सा बनाया है। ये सारी न्यू ईयर की तैयारियां हो रही हैं शायद, है ना। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। इनको देख के तो और सर्दी लग रही है, सर्दी का मौसम हो रहा है और ज़्यादा इन्हें देख के ठंड लग रही है। ये रात में और ज़्यादा प्यारे लगते होंगे क्योंकि ये लाइट्स जला देंगे ना। अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं तो खैर अभी भी अच्छा लग रहा है। ये देख पूरा वेरी नाइस। अब ये इस तरफ भी हुआ हुआ है, इधर भी दिखाती हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ पे ये बनाया हुआ है कि वन का स्नोमैन है। ये कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सब न्यू ईयर का लग रहा है मुझे। अब एक इनको ऐसा देख के ऐसा लग रहा है ना कि स्नो फॉलिंग में आ गए हम लोग, है ना। सब प्यारा लग रहा है। ऊपर भी जो बनाए ना वो ऊपर से फोकस करूँगी ना। ये जो ऊपर बने हुए हैं ना ये सब मैं आपको अभी ऊपर जाके दिखाऊंगी। मैं तो बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा ये यहाँ पे जो है इसका है परफ्यूम्स का ना, लेकिन अभी ये बंद हुआ हुआ है कि नमाज का टाइम हुआ हुआ है तो सब बंद हो रहे हैं। ये क्या है जाफरीस, ये भी बंद है। अच्छा ये भी बंद है ना, खुला हुआ है। चलिए ऐसे ही दिखा दो। यहाँ प्योर लेदर के सारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हम यहीं बेसमेंट में आपको दिखा रहे हैं, हम यहीं घूम रहे हैं अभी। अब हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है। ये देखिए ये पूरी बेसमेंट है। यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट भी करेंगे, फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो अगर हो सका तो मैं आऊँगी। वैसे तो मैंने अभी कवर कर लिया है ये, तो और भी 14 अगस्त के फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे किया जाता है। बहुत अच्छी सी जगह है। यहाँ जो है सीढ़ियों पे इतनी सारी जो स्टेयर्स बनी हुई है ना, यहाँ सब सारी ऑडियंस बैठ जाती है। और फिर ये बड़ा सा एक ग्राउंड दिया गया है, यहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा ये अब हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर पर। तो ये देखिए ये सफ़ायर है, यहाँ भी 50% में सेल लगी हुई है। ये देख सफ़ायर पे 50% सेल है। अब यहाँ से इधर आते हैं तो ये जूसेस का एक स्टॉल लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है ये जूसेस है,
ये ऑरेंज जूस के क्या प्राइस है जी? अभी क्लोज हुआ हुआ है। अच्छा, वैसे प्राइस बता दें। अच्छा, ऑरेंज जूस 350। अच्छा ठीक है। और बनाना शेक जी सेम प्राइस? जल्दी का क्लोज है अभी ये भी, क्योंकि जुम्मे की नमाज का वक्त है ना, तो ज़्यादातर सब क्लोज हुए हुए हैं। अच्छा, ये आइडियाज़ पे देखें 40% सेल लगी हुई है, ये भी अभी क्लोज हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो देखें मैं आपको दिखा रही थी ना अभी नीचे से, जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये देखिए ऊपर ये कितने अच्छे बने हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। ये सब यहाँ रात में लाइट्स जल जाती हैं और ज़्यादा प्यारा लगता है ये। देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये स्पेशली न्यू ईयर्स के लिए शायद बनाया गया है ना। ये देखें स्टैचूज बनाए गए, अच्छा लग रहा है। रात में ये और ज़्यादा प्यारा लगेगा। वो तो मैंने आपको नीचे से दिखाए थे सारे, ये सब हैंग हुए हुए हैं, ये देखें। और यहाँ न्यू ईयर पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन होगा मैंने सुना है, तो कोशिश करूँगी मैं आऊँ अगर, क्योंकि मेरा कहीं दूसरी जगह भी इनविटेशन है, अगर वहाँ नहीं गई तो यहाँ आऊँगी, दिखाऊँगी, कवर करूँगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। अब हम कौन से फ्लोर पे जाएंगे? थर्ड फ्लोर पे जाएंगे ना। ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ, ये और ज़्यादा करीब नज़र आएगा, ये सब हैंग हुआ हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये है अलकरम, यहाँ भी सेल लगी हुई है। यहाँ पे देखें विंटर सेल है, 40%, 30%। बंद है अभी, मगर अभी ये भी, ये मैं आपको इतना दिखा देती हूँ बस। विंटर सेल तो हर जगह लगी हुई है, हर ब्रांड पे लगी हुई है। ये अलकरम का है, ये हम सेकंड फ्लोर पे है ना। हाँ, ये आप सेकंड फ्लोर पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको ये अलकरम की सेल मिलेगी। अच्छा, फिर ये है यहाँ, देखिए ये तो अलकरम की सेल हो गई। कि भाई ये जे डॉट पे भी सेल लगी हुई होगी डेफिनेट, अभी ये भी बंद हुआ हुआ है। ये देखिए ये 40% सेल है जे डॉट पर, ठीक है, ये जे डॉट पर हो गई। ये देख, अच्छा अब ऊपर चलते हैं ना, यहाँ से तो दिखा दिया शायद सारा ना। अब अच्छा, यहाँ भी अभी अच्छा एक्सीलेटर यहाँ पे बंद करे हुए हैं, तो अभी हमें चढ़ना ही पड़ेगा। ये देखिए ये जो मैंने आपको दिखाए थे ना, दोपहर में ये लोग एक्सीलेटर बंद रखते हैं तो फिर चढ़ने की तकलीफ उठानी पड़ती है। अच्छा, क्रॉसस्टिच इस पे भी 50% सेल लगी हुई है।
पे भी 50% सेल है। अच्छा, ये मारिया बी, मारिया बी पे मैं देखती हूँ सेल है कि नहीं। मारिया बी पे सेल नहीं है। इस पे भी सेल नहीं है, ज़्यादातर बंद पड़ा हुआ है ये। इन पे सेल नहीं है, लेकिन इनके भी ड्रेसेस अच्छे होते हैं। अच्छा, अब मैं अभी यहाँ सेकंड फ्लोर पर ही घूम रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये तो सारा जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना, अब मैं जितना जितना ऊपर जाती जा रही हूँ, ये और सब छोटा होता चला जा रहा है। अच्छा, ये यहाँ डंकिन डोनट्स का ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये भी अच्छी है, बैठने की जगह है ना। डंकिन डोनट्स डिफरेंट है, आप कुछ भी यहाँ पे आके खा सकते हैं। ये इस पर सेल नहीं है, लेकिन इसके ड्रेसेस अच्छे होते हैं। यहाँ ब्राइडल ड्रेसेस हैं, वेडिंग ड्रेसेस हैं। उस तो दिख कर लिया था हमने, कवर कर लिया। अच्छा, ये वो है बुक्स, ये बुक्स का है, देखिए किड्स बुक है। ये भी अभी बंद है, वरना मैं दिखा देती। अच्छा, यहाँ भी 40% ऑफ हुआ हुआ है आजकल। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि बुक्स पे भी सेल होती है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो ये प्लेलैंड है ना। अच्छा, ये हम फोर्थ फ्लोर पे आ गए, तो फोर्थ फ्लोर पे ये वंडरलैंड है। ये बहुत अच्छा है बच्चों के खेलने के लिए। ये देखिए, ये पूरा बहुत अच्छा सा बना हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर भी है। ये भी अभी बंद है, वरना मैं आपको अंदर से दिखा देती। अभी मैं अपने बच्चों को लेकर आऊँगी यहाँ पर। और इसके सामने ही ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वंडरलैंड में जो है पार्टीज़ भी होती हैं बच्चों की। बहुत से लोग बर्थडे पार्टीज़ भी रख लेते हैं। ये देखिए, इतना अच्छा है ये अंदर से, बहुत अच्छा है। यहाँ बर्थडे पार्टीज़ भी अरेंज किए जाते हैं। ये वंडरलैंड। अच्छा, उसकी असलियत तो वहाँ से आ रही है, तो वो हम किस तरफ से आए हैं? अच्छा, रिसेप्शन है है बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बड़ी सी जगह है, आराम से आधा एक घंटा के बच्चे खेल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इधर आइए भाई। अच्छा, यहाँ पे ये आइसक्रीम्स मिल रही हैं। ये आपके क्या प्राइजेस हैं आइसक्रीम? वालेकुम अस्सलाम जी। 370 वन स्कूप, ठीक है। डिफरेंट फ्लेवर्स। ये होगा ना आपका ग्लास? अच्छा, ये शेक के लिए है। आइसक्रीम का कौन सा है? अच्छा, ये स्मॉल।
भी है और ये और डिफरेंट है ना उससे दूसरे हैं। अच्छा यहाँ बैठ के खा सकते हैं आराम से। अच्छा वो उधर भी मैं आपको दिखाऊं। यहाँ भी आइसक्रीम्स हैं। ये देखें आपके क्या प्राइजेस हैं यहाँ पे। वन स्कूप कितने का है जी? 190 का। और ये कौन आइसक्रीम में? कौन आइसक्रीम में जी? सेम प्राइस है 180। 190 वन स्कूप। ठीक है जूस बार। यहाँ पे जूसेस मिल रहे हैं। ये आपके जूस की क्या प्राइस है वन ग्लास की? आज जाकर के मैंने लेना प्राइस जी कितनी? अलग अलग प्राइस है ये रखा। कितने का होगा ये? ये रहा। नहीं नहीं ये दिखा दें बस। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 350, 410, 470। ये कौन सा जूस है? ये रिवाइवर जूस है एप्पल लेमन मिंट। ठीक है। अच्छा ये भी दिखा दें। ठीक है थैंक यू। चाइना ग्रिल। ये आपके पास यहाँ क्या मिल रहा है? फिश। ये अच्छा ये रेड एप्पल पे मैं आई हूँ। ये मैंने खाया जी। ये दूसरा है? नहीं सेम है। सेम है जी। अच्छा ये सबवे पे आ गई हूँ मैं। आपके ये सैलड की क्या प्राइस है? कितना बताइए यहाँ से? 840। अच्छा वन पर्सन जी। ठीक है। और बस सैलड है? सिर्फ सैलड है ना? सैंडविचेस भी हैं। सैंडविच की क्या प्राइस है? 450 से स्टार्ट है। अच्छा ठीक है। ये सब पे मिस्टर बर्गर। डिस्काउंट हुआ हुआ है आजकल। ये आपके डिस्काउंट हुआ हुआ है आजकल मिस्टर बर्गर? डिस्काउंट हुआ हुआ है। अच्छा ये पहले की प्राइजेज है। अच्छा ये वाली प्राइस है। ये वेनिला। यहाँ पे क्या है? फ्रेश इटालियन फूड है यहाँ पे।
ये देखिए ये बन रहा है इनका, एक्सक्यूज मी ये क्या बन रहा है आपका? पास्ता बन रहा है। बता सकते हैं आपने कैसे बनाया है? बता सकते हैं कैसे बनाया? अच्छा वेजिटेबल होती है जी जी, वो सौते होती है गार्लिक में जो ऑर्डर की वेजिटेबल होती है। अच्छा उसका पास्ता शेप जो होता है वो पास्ता शेप इसमें ऐड होता है। अच्छा थोड़ा सा उसको सौते करते हैं। और क्या डालेंगे आप अभी जी? और क्या डालेंगे इसमें? इसके बाद सॉस ऐड होती है जो ऑर्डर कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद चिकन अगर ग्रिल्ड है तो उसके बाद फिले आता है, स्ट्रिप्स है तो पैन कुक होती है। ये देखिए ये पास्ता बन रहा है इत्तेफाक से, अभी मैंने यहाँ पे देख लिया है। मैं इनसे रेसिपी भी पूछ रही हूँ कि किस तरह से बन रहा है ये। ये देखिए ये मैं दिखाती हूँ कौन सा बन रहा है अभी इनका। यहाँ होगा आई थिंक पास्ता में, ये देखिए ये है, ये वाला बन रहा है ना आपका, ये जो इसमें वाइट बाउल में रखा हुआ है। अच्छा देखिए ये बन रहा है, पास्ता शेप जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा ये बन रहा है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए इसे बना रहे हैं ये। बैठने की जगह है, जगह भी बहुत अच्छी है। ये पूरा मैंने तकरीबन आपको दिखा दिया है सारा। यहाँ पे थोड़ी सी और, ये तो जो है बस ये लास्ट ही है आई थिंक। एक और ये है, जब तक वो बनाते हैं तो अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कंप्लीट वो दिखा दूँ जो ये बना रहे हैं ना। तो गार्लिक सौते करते हैं, उसके बाद जो वेजिटेबल होती है कस्टमर रिक्वायरमेंट में कस्टमर वो फिर वेजिटेबल इसमें ऐड करते हैं। जो पास्ता शेप होता है उसके बाद वो ऐड करते हैं, फिर सौते करते हैं। जो सॉस होती है वो ऐड करते हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद चिकन प्रोटीन। अच्छा, जो अब दूसरी सॉसेस डाल रहे हैं आप। ये कौन सी सॉस डाल रहे हैं जी? कौन सी सॉस डाल रहे हैं? ये वाइट सॉस है, ये मैं दूसरा पास्ता बना। अच्छा ये दूसरा बन रहा है, इसमें फाइनली अभी और कौन सी सॉस डालेंगे? फाइनली कौन सी सॉस डालेंगे? कस्टमर रिक्वायरमेंट की होती है वो सॉस, वाइट है तो वाइट, रेड है तो रेड, मिक्स है तो मिक्स। अच्छा बस फिर रेडी है ये पास्ता, रेडी है। अच्छा बस ये वाइट सॉस और डालेंगे तो फिर रेडी है। तो गाइस बस अब मैंने आपको तो बता दिया है कि ये पास्ता किस तरह से बन रहा है। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि मेरी ब्लॉग और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा अब मैं यहाँ आई हूँ ये ऑब्जेक्ट में, यहाँ क्या मिल रहा है देखते हैं। तो मेन्यू कार्ड है बस यही है। अच्छा ये KFC में आई हूँ मैं, अब देखें KFC में देखते हैं क्या क्या रेट्स हैं। मेन्यू कार्ड दिखाएंगे आप अपना, ये देखें आई थिंक यही है मेन्यू कार्ड, मैं इसको फोन कर लेती हूँ।
जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा, यहाँ पे 50% डिस्काउंट हुआ हुआ है कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा पे। ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छा क्लाउन का स्टैचू यहाँ बैठा रखा है। अच्छा, अब हम आए हैं मैकडोनल्ड पे। मैकडोनल्ड पे जो है यहाँ $3.50, $5.95 है। यहाँ अंदर बैठने की जगह भी है, ये देखिए यहाँ पे अच्छी सी बैठने की जगह भी बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइव स्पाइसी, ये बहुत बड़ा है, बहुत डिफरेंट। फाइव स्पाइसी हार्डीज, एक ये भी है हार्डीज। यहाँ क्या क्या मिल रहा है, यहाँ बर्गर्स हैं एंड फास्ट फूड है सारा यहाँ पे भी ना। देखें यहाँ क्या क्या मिल रहा है, यहाँ भी फास्ट फूड है। जेंसोय, आई लाइक जेंसोय, यहाँ भी है $6.99। इसका मेन्यू मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा ये क्या है, बर्गर लैब, आई लाइक बर्गर, तो बर्गर लैब, मुझे बर्गर लैब भी बहुत पसंद है। वैसे ये तो स्पाइसी क्रिस्पी तो बहुत सही प्राइस है, $2.99, काफ़ी बड़ा बर्गर है ये। आई थिंक मैं सोच रही हूँ मैं यही खा लूँ। $2.39, देखिए बैठने की जगह भी अच्छी खासी है। अच्छा ये डील है $13.99 की ना। आपके नए प्राइस क्या है इसमें कटे हुए, $13.99 नए प्राइस, डिस्काउंट प्राइस है ना, डील है ये। इसमें दो बर्गर और दूसरा क्या है, वो पास्ता, नहीं नहीं ये पास्ता है क्या, ये फ्राइज है। अच्छा फ्राइज है, उसके ऊपर चीज़, अच्छा अच्छा मायोनी वगैरह डाला हुआ है इसके ऊपर ना। अच्छा ये 13 यानी कि 1400 का हुआ, 2% का हुआ ना। अच्छी है जगह भी, अच्छी है बैठने की। मैं सोच रही हूँ भूख तो लग रही है, यहीं बैठ के खा लेते हैं। अच्छा अब देखें ये पूरा जो है ना फूड स्ट्रीट, ये मेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है, आपको पूरा शो कर दिया है मैंने। अच्छा ये है गोला गंडा, लंच करने के बाद गोले गंडा खाने का मूड हो तो यहाँ आई थिंक कोई है नहीं। मैं प्राइजेस दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इनके प्राइजेस हैं। ठीक है, अच्छा है ठीक है, ये आ गए, हम लंच के बाद देखते हैं फिर। अच्छा ये यहाँ पे क्या, ये बेकरी है ना, ये देखिए ये इसके क्या प्राइस हैं डोनट के जी। वालेकुम अस्सलाम, ये डोनट की क्या प्राइस है, डिस्काउंट में कितने आएंगे। अच्छा ये है बॉक्स ऑफ 6, बॉक्स ऑफ 12। अच्छा इसके अलावा ये सेलिब्रेशन डील चल रही है मिनी डोनट। अच्छा ये देखिए ये इनके यहाँ पे डिस्काउंट है,
ये 390 में आपके 3 ग्लास आएंगे ये इसके ईच। इधर ये एक शाही सफारी की जैसे स्टॉल लगा हुआ है। ये क्या प्राइस है आपके इसके बॉक्स के? 600 का है। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये जो छोटा है तो इसके कम कितने का? 200 का हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ये भी एक अच्छा सा स्टॉल लगा हुआ है, शाही स्टॉल, दूर से अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा ये जूसेस हैं यहाँ पे, जूसेस के नाम। अच्छा यहाँ गोलगप्पे भी मिल रहे हैं। आई लाइक गोलगप्पा। ये कितना बड़ा सा गोलगप्पा है, है? ये जो बात सुने, ये बड़ा सा है गोलगप्पा है? अच्छा गप्पा है, गप्पा चार्ज। अच्छा ये गप्पा चार्ज कहलाता है। अच्छा ये कितने का है? 270 का। 270 का वन एक होगा इसमें। क्या क्या आप फिल करेंगे? सब कुछ होगा। अच्छा मैं आपको छोले प्याज आलू सब। अच्छा चौथा ये। अच्छा और ये तो वही छोटे वाले जो हैं, ये एक डिफरेंट सी चीज़ नज़र आ रही है ना, छोटे वाले हैं बड़े वाले। अच्छा अच्छा ठीक है। ये भी अच्छा है, इनका एक नई चीज़ नज़र आई मुझे। ये देखिए ये देसी चाट, मैं इनका मेन्यू दिखाती हूँ आपको। आपके डोनट के क्या प्राइस है? 400 ईच, 200 ईच ठीक है। और ये केक जी? अच्छा स्लाइस भी अलग से होता है, फुल केक पूरा? फुल कितने का होगा? अच्छा 14 अच्छा अच्छा 19, 10 एंड 480 ठीक है, प्राइस अच्छी है। अच्छा ये आपके क्या है ऑफ डिस्काउंट मिला हुआ है? 10% डिस्काउंट है इस पे अभी आज के और न्यू ईयर तक। अच्छा न्यू ईयर के लिए आपने स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ये कितने का हो जाएगा? 10% ऑफ। अच्छा जो अभी कॉस्ट बताया है। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने न्यू ईयर तक के लिए 10% डिस्काउंट यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने ये आपको पूरी तरह हर शॉप दिखा दी ना पूरी। तो अब हम चलते हैं, अभी मैं देखती हूँ रास्ते में अगर कुछ आउटलेट्स खुल गए होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना वैसे अभी तक बंद पड़े हुए हैं। अभी टाइम क्या हो गया होगा? अभी नहीं खुलेंगे, 5 बजे खुलेंगे। अच्छा 5 बजे खुलेंगे, क्योंकि आज जुम्मा है ना, तो जुम्मे की वजह से एक्सीलेटर सारे बंद हुए हुए हैं, इसलिए हम लिफ्ट से ही उतरेंगे। क्योंकि अभी मैं चढ़ के आई हूँ ऊपर, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मेरी चढ़ने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम ग्राउंड पे उतरेंगे ना, ठीक है। बैंक नजर आ रहा है। ओहो उतर के मुझे बताया ही। अच्छा ये देखिए ये रहे बैंक्स जो मैं दिखा रही थी, ये कौन से फ्लोर पे है? ग्राउंड पे। एक मिनट है इधर से ना, ये अच्छा ये ग्राउंड फ्लोर पे बैंक है सारे ना। हाँ हाँ ये
ये हुआ हेलाइट बैंक, ये देखिए ये ग्राउंड फ्लोर पे सारे बैंक्स नज़र आएंगे आपको। वैसे ये मुझे स्टार्टिंग में दिखाना था लेकिन उस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, तो अभी जब मैं वापसी कर रही हूँ अपनी तो मुझे नज़र आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ये भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें सना आप आएंगे ना तो यहाँ लाइन से आपको सारे बैंक ही बैंक नज़र आएंगे। अच्छा अब हम इस तरफ से जा रहे हैं, यहाँ से बैंकों से हम यूँ क्रॉस करके, अब ये देखिए आउटफिटर पे भी सेल लगी हुई है, 50% सेल है आउटफिटर पे भी। बंद हुआ हुआ है ये अभी अभी ज़्यादातर बंद हो गया। अच्छा ये देखो ये सब सेल लगी हुई है, 20% से स्टार्ट हो रही है सेल, 60% बिग सेल बुनेंजा सतरंगी पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। ये देखिए ये जो है परसेंट सेल है ये बुनेंजा पे, परफ्यूम्स पर भी है और ड्रेसेस हर चीज़ पे 60% सेल, वेरी नाइस। ये देखिए 60% सेल है बुनेंजा पे। बुनेंजा पे मुझे अब तक सबसे अच्छी सेल नज़र आई है, 60% सेल है। ये मैं अंदर जाके दिखा नहीं सकी क्योंकि अभी बंद है, सो अच्छा यहाँ पे परफ्यूम्स मिल रहे हैं, डिस्काउंट परफ्यूम्स हैं आपके पास, खाड़ी के हैं ये। एक्सक्यूज़ मी इसके क्या प्राइस है? 35। ये डिस्काउंट पे है? नहीं वो है मैडम रेगुलर प्राइस है। अच्छा सेल नहीं है अभी। सेल तो नहीं है लेकिन ये इसके परफ्यूम भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेगनेंस वेरी नाइस, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है इसकी। अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक ये भी बनाया गया है विंटर सेल पे ना, इस तरह के बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये देखें ये एक बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है, ये यहाँ बच्चे बैठ के तस्वीर खिंचवा सकते हैं, अच्छी सी जगह बनाई है। मैं खाली पिक्चर लेने के लिए ही जगह बनाई, इतनी अच्छी सी जगह बनी हुई, अगर शिजार बनाए होती तो यहाँ बैठ के इतना खुश होती ना, अच्छी सी जगह। यहाँ हम आ गए थे। अच्छा एक ना मैं बस वहाँ से बाहर से बस दिखाऊंगी, जरा से देर दिखाऊंगी। अच्छा ये हम कौन से फ्लोर पे हैं अभी? हाँ ग्राउंड फ्लोर। अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे हम हैं अभी। अच्छा ये हम स्टार्टिंग में यहीं से आए थे ना, तो अभी मैं बाहर से दिखाती हूँ इसको। ठीक है सर।
ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। यहाँ से हम तो खैर बेसमेंट में चले गए थे, तो इसलिए मैं आपको पहले नहीं दिखा पाई। अभी भी दोपहर हो रही है, तेज़ धूप निकली हुई, लेकिन खैर सर्दियों में तो अच्छी लगती है धूप, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये देखें, ये डियर बने हुए हैं, ये रात में लाइट जलती है तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें, यहाँ से अगर आप नीचे गाड़ी पार्क नहीं कर रहे हैं तो यहाँ उतरेंगे आप, तो इधर से जो है आपको थोड़ा सा वॉक करके जाना होगा। और ये देखिए, ये है पूरा इसका व्यू, ये लकी वन। ये देखिए, ये है लकी वन। अब मैं वापस अंदर जा रही हूँ, और फिर हमने अपनी कार नीचे पार्क करी है बेसमेंट में, तो मुझे अभी वहीं जाना पड़ेगा। ये भी यहाँ रात में लाइट्स जली हुई होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ न्यू ईयर पे आप आइएगा ज़रूर, यहाँ बहुत अच्छा, मैंने आपको दिखाया सब, बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे जो है सारी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। ये देखें, ये यहाँ पे फाउंटेन बना हुआ है, ये रात में यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देते हैं, चला देते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ इसमें लाइटें भी बहुत प्यारी लगती हैं। ये देखें, परसेंट ऑफ। चलिए अब मैं अंदर चलती हूँ ताकि मैं बेसमेंट में जाऊँ। ये देखिए, जैसे यहाँ एंटर होते हैं ना तो 50% की सेल है यहाँ पे। ये कौन सा आउटलेट है मैं बताती हूँ आपको, ये है साया। बंद है अभी, ये देखिए, ये साया पे भी सेल लगी हुई है 50%। तो यहाँ पे ये टॉयलेट का भी इंतज़ाम है, लेडीज़ टॉयलेट भी हैं यहाँ पे। यहाँ भी 50% सेल है। इन्फॉर्मेशन के लिए ये जगह है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ से बता दिया जाता है। इस तरफ है, आई थिंक जनरेशन पे भी सेल लगी हुई है। अच्छा अब हम लिफ्ट से जाएंगे। अच्छा बाकी हम लिफ्ट से उतरेंगे नीचे, या फिर हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। अब हम बेसमेंट में पहुंच गए हैं, तो दोस्तों मैं अब इसी के साथ अपनी व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरी व्लॉग बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत अच्छी हुई है, मज़ा आया है, आपको भी देखने में मज़ा आया होगा। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।